हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसकी हमने ना बुक कवर कर ली है जिसका आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए मैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेके आई हूँ। मतलब मैंने क्वेश्चंस ढूंढे हैं जो आपके काफ़ी रिपीट हुए हैं वो भी, और जो थोड़े इम्पॉर्टेंट है वो भी। तो साथ के साथ आपको है ना ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कितने घंटे का पेपर होता है, कितना टाइमिंग का होता है और कितने क्वेश्चंस वगैरह आपको करने होंगे। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने असाइनमेंट्स और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लेके आई हूँ। तो पहले हम है ना एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहेगा, टाइम आपका 2 घंटे का रहेगा, मिनिमम मार्क्स आपका 50 का रहेगा, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और आपको जो टोटल क्वेश्चंस है ना वो 8 मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। और जो आपको ना 2 सेक्शन दिखाई देंगे वहाँ पे, तो दोनों सेक्शन में से ना आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मतलब आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको करना ही है कि सेक्शन 1 में से भी 2 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन 2 में से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। और फिर जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है 5th वाला, वो आप चाहे सेक्शन 1 में से करें या सेक्शन 2 में से करें, वो चॉइस आपकी होगी। मतलब पर दोनों सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 400 वर्ड्स का होना चाहिए। तो आपका जो 5 क्वेश्चन है ना वे आपके 10-10 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल आपके 50 मार्क्स के हो गए। तो उसमें ना आपको 400 वर्ड्स में लिखना है, तो 400 वर्ड्स का आप है ना 3 या फिर 4 पेज एटलीस्ट लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। वो डिपेंड होता है आप कितने वर्ड्स एक लाइन में लिखते हो। अगर आप ज़्यादा खुला खुला लिखते हो तो 4 पेजेस कर लेना, वरना 3 पेज में आपका आंसर हो जाना चाहिए कवर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके सामने मैंने रिपीट 1 लिखा है ना, तो मतलब समझ जाना वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा बार मतलब रिपीट हुआ है काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में। तो पहला कोरिलेशन मेथड्स बताने हैं जो कि आपके रिसर्च साइकोलॉजी में हमारे यूज़ होते हैं, कैसे होता है हमारा कोरिलेशन मेथड, हम कैसे यूज़ करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर कुछ फैक्टर्स बताने हैं प्रिसेप्शंस के, ये जो टॉपिक है डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग प्रिसेप्शन, ये वाला शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है, तो ये भी आप क्वेश्चन देख लेना। और कोई भी 3 थ्योरीज आपको बतानी है इमोशंस की, और साथ के साथ है ना इमोशंस मूड एंड फीलिंग्स का एक शॉर्ट नोट में आपका डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, ठीक है। और डिफाइन पर्सनालिटी और फ्यूड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो कि फ्रूड की जो थ्योरी है पर्सनालिटी के बेस पे वो एक्सप्लेन करनी है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान रखना। नॉन कॉग्निटिव इंटेलिजेंसी भी आपको है, बट इसके साथ जो थ्योरी दी गई है गार्डनर की इंटेलिजेंसी पे, ये वाली भी आपकी थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। मतलब थ्योरी जो आपकी है ना 2nd यूनिट है आई गेस, तो वो जो है ना जितनी भी थ्योरीज आपको दी गई है ना उनको कवर कर लेना, क्योंकि कोई ना कोई 1 या 2 थ्योरीज तो आपसे पूछी ही जाएंगी, ठीक है। फिर आपको मोटिवेशन के बारे में आपको बताना है, फिर एम्सिलेंट एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है जो मैं आपको बता रही थी, सेंसेशन एंड परसेप्शन का डिफरेंशिएट आपके बारे में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, डिफाइन लर्निंग और उसके कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग भी आपकी है, जो हमने आपका जो ऑथर है ना क्या नाम था उसका एलपोर्ट, उन्होंने डिस्क्राइब की इतना क्लासिकल कंडीशन, तो उसके बारे में उसके प्रिंसिपल्स वगैरह बताने हैं। फिर आपको मोटिवेशन को एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप्स बताने हैं, वही है। एंड कन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंशिएट बताना है, और कन्फ्लिक्ट्स के साथ कुछ मेन टाइप्स भी आते हैं जो कि हमारे होते हैं वो वाले जो हमारे 4 कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, 4 अप्रोचेज होते हैं उसके, वो आप डिफाइन कर सकते हो। साइकोलॉजी को डिफाइन करना है और उसका स्कूल्स के बेसिस पे क्या थॉट्स है वो आपको मेन पॉइंट्स आपको बताने हैं। इंटेलिजेंसी वाला भी टॉपिक है इम्पॉर्टेंट,
फिर कुछ मेमोरी के ऊपर दो थ्योरीज है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, कोई भी दो थ्योरी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही थी ना, डिफरेंशिएट बिटवीन इमोशंस, फीलिंग्स एंड मूड्स का। और साथ ही साथ इन्होंने स्केचर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशंस की भी बोला है कि ये भी आप एक्सप्लेन करें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हो चुका है काफ़ी बार, तो इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ। और फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट वाला भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का भी है। उसके बाद जो आपको शॉर्ट नोट मिलेंगे ना, वो आपको 5-5 मार्क्स के मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपको बोला जाएगा 3 या 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, मतलब दे देंगे कि आपको इसके बारे में लिखना है, तो वो आपको ना 2 करने होंगे, तो आपको 5-5 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो अभी तक फ़िलहाल आपके असाइनमेंट्स और क्वेश्चन पेपर में जो शॉर्ट नोट पूछे गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ओवरऑल आपके 22 हैं ये। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, एंड मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं है, आई कैन मतलब जो मैंने समझा है कि इस पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए हैं हमारे इस सब्जेक्ट के, तो मुझे क्वेरी ग्रुप में मैसेज करके बता देना, मैं आपको पर्सनली आपसे कॉन्टेक्ट करके एंड आपको दे दूंगी, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ इस बुक को। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड बुक है 1-3-2, वो भी मैं आपको जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप क्वेरी ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज़।